ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर पर छापेमारी करने पर सरकारी अधिकारियों को पानी की पाइप से 19 करोड़ रुपए नकद मिले थे। कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं ऑल्ट न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भी इस वीडियो के फैक्ट चेक के लिए कई रिक्वेस्ट मिली है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो के संदर्भ में जांच की तो हमें मालूम हुआ कि ये वीडियो दिल्ली का नहीं है और न ही हाल में हुई किसी छापेमारी का। नवंबर 2021 को सीएनएन न्यूज 18 ने इस घटना के बारे में बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के एजेंट्स ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारा था। द हिंदू ने इस जूनियर इंजीनियर की पहचान पीडब्ल्यूडी के जेवारगी सब डिवीजन से जुड़े शांतागोड़ा बिरादर के रूप में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी के दौरान कुल मिलाकर लगभग 54 लाख रुपए जब्त किए गए थे, जिनमें से 13 लाख की नकदी घर की पाइप से बरामद की गई थी। यानी ये वीडियो कर्नाटक के एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के घर में 2021 में की गई छापेमारी का है।